फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्याहंस और आपका आर्ट टेक में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइन आर्ट्स के फ्यूचर की बात करेंगे और ये बात करना इसलिए भी जरूरी है कि पिछले 4-5 साल से टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आए। फाइन आर्ट्स के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया है। जैसे कि आज अगर आपको एक पेंसिल से स्केच बनाना है तो आप मोबाइल पर 1 से 2 मिनट के अंदर ही बना सकते हो। अगर कोई क्रिएटिव पेंटिंग भी बनानी है, वो भी आप मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूज़न की हेल्प से 1-2 मिनट के अंदर ही आप उसको बना सकते हो। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको पेंटिंग या स्केच बनाने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ कलाकार टेक्नोलॉजी को निग्लेक्ट करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी उनकी राय अच्छी नहीं है और स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है कि मैनुअल वर्क करें। आज के टाइम में फाइन आर्ट्स के अंदर पूरी तरह बदलाव आ चुका है। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप तरह तरह की पेंटिंग बना सकते हो, आप तरह तरह के स्कल्पचर्स के आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो और आजकल तो इतनी सारी रोबोटिक आर्म्स भी आ गई हैं कि आपको स्कल्पचर खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो रोबोटिक आर्म्स बना देती हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको सीखकर अपने क्रिएटिव स्किल्स को और डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, आज के टाइम में फाइन आर्ट्स का हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि फाइन आर्ट्स के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर ना तो आज के टाइम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही वहाँ पर टीचर जो हैं वो अपडेटेड हैं। टीचर वही 20-30 साल पुराना जो उनका सिलेबस है वही आज के टाइम पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज के टाइम में बच्चों को BFA या MFA के करने के बाद भी नौकरी लगने के लिए अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? एक कॉलेज BFA जिसमें कि 4 साल लगते हैं, आपने 4 साल लगाए और 4 साल लगाने के बाद जब आपको ये पता चलेगा या चलता है कि अब इसके अंदर मेरा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मार्केट में मेरे पास ऐसा स्किल ही नहीं है जो कि मार्केट में जिसकी ज़रूरत हो, क्योंकि ना तो कॉलेज वालों ने आपको मार्केट से रिलेटेड आपको कोई चीज़ करवाई है और ना ही आपको सिखाया गया है। मे भी शायद उनको भी मार्केट का पता ही नहीं है, बिकॉज वो लोग टीचर हैं और उनका सिर्फ यही काम है सुबह कॉलेज आना और शाम को घर जाना। तो उनको सारे टीचरों को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक टीचर होते हैं जो कि अवेयर होते हैं, बट ज़्यादातर टीचर्स का यही हाल है। दोस्तों, मेरे पास BFA और MFA के ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं जिनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उनको समझ ही नहीं होती कि अब BA या MFA के बाद वो लोग क्या करें, क्योंकि वो कहीं पे भी अप्लाई करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज में उन्होंने ऐसा काम किया नहीं है जिस तरह का मार्केट वालों को चाहिए। BFA और MFA वाले बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे BFA हमारी 4 साल की होती है तो 4 साल में उनको कभी इस चीज़ की कोई कभी टेंशन ही नहीं होती कि हमारा आगे जाके क्या होगा। तो जैसे ही वो लास्ट ईयर में आते हैं तब उन्हें थोड़ा बहुत लगने लगता है कि हाँ भाई, अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। वरना किसी एक चीज़ में 4 साल लगाना बहुत बड़ी बात होती है, 4 साल में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। असल में देखा जाए तो स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, वो लोग फाइन आर्ट्स में सिर्फ अपने शौक की वजह से ही आए हैं और अब वो अपने शौक को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, शौक और करियर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप शौक को करियर बनाते हो तो आपको पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, क्योंकि शौक के चलते आप जो भी काम करते हो उसको दिल लगा कर करते हो और ये दिल लगाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल लगाकर किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। हमेशा लगता रहता है कि ये और बेहतर हो सकता था और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपको फाइन आर्ट्स के अंदर करियर बनाना है तो फिर सिर्फ शौक से काम नहीं चलेगा, आपको खुद के लिए सेल्फ लर्नर बनना पड़ेगा। कॉलेज टीचर से ये उम्मीद करना कि मैं यहाँ पे पढ़कर पता नहीं कितना बड़ा कितने पैसे कमाने लग जाऊँगा या कितना बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँगा, ये सब बेकार की बात है। और कॉलेज का सिलेबस हमारे और आपके कहने पे बदलने वाला है नहीं, तो आपको फाइन आर्ट्स में आने से पहले कोई 5-6-7-8 ऐसे आर्टिस्ट लोगों से मिलना पड़ेगा जो कि आज के टाइम में मार्केट में काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप उनको मिलो, उनसे सलाह लो और फिर देखो कि उन्हें ये मंजिल जो जिस मुकाम पर वो आज हैं वो उनको किस तरह से मिला, कि उन्होंने
पढ़ाई के साथ साथ ऐसा क्या किया कि आज वो सक्सेस हैं। फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने से पहले आपको एक अच्छे किसी करियर काउंसलर से भी बात करनी चाहिए। सिर्फ शौक के चलते आज के टाइम में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना वो यूजलेस थिंग है। मैं यहाँ पर किसी भी टीचर या किसी कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आजकल चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और आज के टाइम में आपको टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आप कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, नई नई एप्लीकेशंस को सर्च करो, नए नए सॉफ्टवेयर्स पे काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। और आज का टाइम तो इंटरनेट का टाइम है, सब कुछ इंटरनेट पर है, बस सिर्फ आपको टाइम निकाल के और अपनी सेल्फ लर्नर आपको खुद बनना है। किसी पे भी आपको कोई भरोसा नहीं करना कि पता नहीं वहाँ पर जाकर मुझे कुछ मिल जाएगा या मैं कुछ हासिल कर लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सेल्फ लर्नर बनिए और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो वो आप लोग कमेंट्स में मेरे से बात करिए, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आगे आप अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो भी आप बताएं, मैं उस पर भी गौर करूँगा।